नमस्कार साथियों, कुसुम नेट क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार से कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं PhD एडमिशन 2021 के बारे में। तो यदि आपने अब तक PhD में एडमिशन नहीं लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यूनिवर्सिटी का नाम की बात करें तो यह चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, यह भिवानी हरियाणा में लोकेटेड है। यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। यहाँ पे यदि बात करें डेट के बारे में बात करें तो डेट देख लीजिए, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है जो है 20 सितंबर, यानी फॉर्म भरने की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप 20 सितंबर तक यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि आप देखें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पश्चात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू की बात करें तो आप 22 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के बीच में आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके अलावा आपका इंटरव्यू भी इसी दौरान लिया जाएगा। तो देखिए बहुत जल्द, इतना जल्दी एक एक सप्ताह में काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इतना इन्होंने पहले ही शेड्यूल फिक्स कर दिया है। और आगे बात करें यदि डिस्प्लेइंग ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन, तो पहला लिस्ट जो होगा वो 28 सितंबर को आ जाएगा, यानी 27 को इंटरव्यू ख़त्म होगा और 28 को पहला लिस्ट आ भी जाएगा एडमिशन के लिए। और आपको फी डिपॉजिट करना है 29 तक, यानी एक एक दिन में सारा काम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लिस्ट आपका 30 को आएगा, फ़ी करना है 1 अक्टूबर तक। और तीसरा लिस्ट आएगा 4 अक्टूबर को, फ़ी करना है 5 अक्टूबर तक। स्टार्टिंग ऑफ एकेडमिक सेशन की बात करें तो 11 अक्टूबर को आप यहाँ से अपने सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। और जो आपका PhD का कोर्स वर्क का जो एग्ज़ाम होगा अप्रैल 2022 में होगा, यानी अक्टूबर से शुरू होगा तो अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर डिस्क्लेमर एक है साथियों, वह यह है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऊपर में ही दे रखा है कि एप्लीकेशंस ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड एज JRF इंटाइटल फॉर स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप होल्डर, अवार्डीज ऑफ द फेलोशिप बाई द DST, इंस्पायर, ICMR, यानी आपके पास किसी भी तरीके का फेलोशिप है, JRF हो या नेशनल लेवल का कोई फेलोशिप वगैरह हो, तभी आप यहाँ पर फॉर्म को भर पाएंगे 20 तारीख को शाम 5 बजे तक। उसके बाद यदि कुछ इसमें कुछ और देख लें तो सीट की बात यदि कर लें हम लोग, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कॉमर्स में सीट नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में 3 है, जूलॉजी में 3 है, बायोटेक में नहीं है, मैथमेटिक्स में 1 है, और फिज़िक्स में 2 है, इंग्लिश में 2 है, पॉलिटिकल साइंस में 2 है और ज्योग्राफी में 2 है। टोटल 15 सीटें हैं। और चूंकि यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है इसलिए रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो हरियाणा सरकार के अंतर्गत लागू होगा, यानी कि दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट दी हुई है, टोटल 15 सीट ही है, इसमें आप खुद से देख सकते हैं। यहाँ से आपको वेबसाइट से जा कर के फॉर्म भरना है, यह फॉर्म है, इसको फॉर्म भर करके आपको वहाँ पर भेजना पड़ेगा। इसमें देख लीजिएगा फॉर्म को, यहाँ से आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे मार्कशीट वगैरह, मार्क्स किस तरीके से लगेगा, किसको कितना नंबर मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए डॉक्यूमेंट के बारे में, डिटेल मार्क्स कार्ड ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी मैट्रिक का मार्कशीट, उसके बाद 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट। यदि ओरिजिनल नहीं है तो अभी आप डुप्लीकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 1000 रुपये लगेगा, और यदि आप SC या फिर OBC या EWS या फिर ब्लाइंड कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 250 रुपये लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे PhD का ऑर्डिनेंस दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे 55% मार्क्स होना चाहिए, DRC का मीटिंग होगा या RSC का मीटिंग होगा, वह तय करेगी कि आपको कौन सा गाइड मिलेगा। तो जिस तरीके का सेम क्वालिफ़िकेशन सभी यूनिवर्सिटी में होता है, लाइक कि 55% मिनिमम नंबर होना चाहिए आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम में, और यदि आप SC ST OBC हैं देन आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये तो सभी यूनिवर्सिटी में लागू होता है, यहाँ पर भी है, और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर खुद से देख सकते हैं। द यूनिवर्सिटी शैल एडमिट द कैंडिडेट थ्रू चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर तो ऊपर में इन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया था, तो यहाँ पे है नहीं उसको लेकर के। और सीटें नोट द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर अवेलिंग वेटेज ऑफ JRF, NET, GATE एनी अदर इक्विवेलेंट नेशनल फेलोशिप विल बी कंसीडर इन द कैटेगरी इन विच
दे आर इशूड सर्टिफिकेट बाई UGC और अदर इक्विवेलेंट एजेंसीज। तो यहाँ पे इसके बारे में कोर्स वर्क वगैरह और तमाम सारी चीज़ों के बारे में सिनोप्सिस वगैरह के बारे में दिया हुआ है, तो ये सब आपको बाद में जानने की ज़रूरत है, अभी आप एडमिशन पे फोकस करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।